विंटर्स में आप भी बॉडी लोशन को रगड़ रगड़ के अगर आपकी स्किन पे लगाते हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी बॉडी लोशन के साइड इफेक्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं। शायद आपने सुना भी नहीं होगा, जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन 100% श्योर कि वीडियो को कंप्लीट देखते हो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडी लोशन साइड इफेक्ट। बॉडी लोशन के साइड इफेक्ट पे बात करने से पहले ये चीज आपको समझनी चाहिए, बहुत चाहे आपकी स्किन कोई सी भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, एक्ने प्रोन हो या कोई सी भी स्किन हो, बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि हमारी ऑयली स्किन है तो हमें स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना है, चिकना नहीं लगाना है, नरिश नहीं करना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसका स्किन केयर भी नहीं करते हैं और साथ में हम उसके कोई नरिशमेंट नहीं देते हैं। भले ही आपकी स्किन टाइप कोई सी भी हो, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज रखना, सॉफ्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज समय से पहले ही इसमें रिंकल्स आ जाते हैं, छाइयाँ हो जाती हैं, एजिंग लाइन्स आपको हो जाती है। अब मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, प्रॉपर करते हैं स्किन केयर रूटीन, साथ में प्रॉपर विंटर्स में इस चीज़ का भी ध्यान देते हैं कि हमारी स्किन में ड्राइनेस ना आए, सॉफ्ट बनी रहे, लेकिन क्या करते हैं, बॉडी लोशन तो लिया, कोई भी लिया चीज़ और बॉडी पे लगाया, पूरा हाथ पैरों पे लगाया, चल मेरे भाई, और टकाटक रेड हो जाते हैं। लेकिन शायद हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि आखिर हम यूज़ क्या कर रहे हैं। कि हमारे दो पार्ट होते हैं बॉडी में, लाइक अगर मैं कहूँ तो एक होता है फेस वाला जो पार्ट होता है और एक होता है अदर बॉडी पार्ट। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि हमारा जो फेस का स्किन होता है बाकी अदर जो बॉडी स्किन्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो फेस स्किन हमारी बाकी अदर बॉडी पार्ट से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव होती है। तो लोगों को मैंने ऐसे ऐसे देखा है कि बॉडी लोशन को बॉडी पे लगाने के साथ साथ मुंह पे भी लगा बैठते हैं। बॉडी लोशन होता है, बॉडी लोशन की अगर आप कभी भी कंसिस्टेंसी देखेंगे, यहाँ पे लेके देखिएगा, बहुत ज़्यादा कैसा होता है, थिक लेयर होती है। अब जब भी हम अपने फेस पे बॉडी लोशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, हमारी जो स्किन होती है इतनी थिक लेयर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अब वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो जो प्रोडक्ट होता है सिर्फ हमारे फेस पे ही लगा रह जाता है और हम बाकी धूल मिट्टी गंदगी में निकल जाते हैं। हमारे जो पोर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है और वो आपके पिंपल्स को, एक्ने को नोता दे देते हैं, ब्लैक हेड्स को नोता दे देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो आपको साइड इफेक्ट होगा ना, उसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होगा कि आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। पिंपल्स कैसे दूर कर सकते हैं, मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप जाइए उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में या ऊपर लिंक आपको पॉपअप हो रही होगी। तो सिर्फ मैं इस वीडियो के थ्रू इतना सा कहना चाहती हूँ कि बॉडी लोशन के जो आपके साइड इफेक्ट होंगे वो यही होंगे कि आपके धूल मिट्टी जम जाएगी, स्किन में एब्जॉर्ब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर है उसकी जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, वहाँ की जो स्किन है इतनी सेंसिटिव नहीं होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है हाथ पैरों की, लेकिन फेस की स्किन है हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। कलर जो बॉडी लोशन होते हैं वो तो और भी ज़्यादा हमारी फेस के लिए, बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना, जरा सी भी, तो इस वीडियो को ज्यादा जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, मेरे चैनल पे नए हो, इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, हेल्पफुल वीडियोस जो आपकी स्किन केयर मेकअप के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, तो बस इस चैनल को आंख बंद करके सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो मिलते हैं फिर किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।